वेलकम बैक टू बीना ब्लॉग्स। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कांदा भजिया और पुदीने की चटनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं रेसिपी। एक टीस्पून साबुत जीरा, हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, हाफ टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून मिक्सर सब्जी मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक टेबल स्पून, 7 स्मॉल साइज ऑनियन चॉप कर लिए हैं, 3 हरी मिर्च चॉप कर ली है, 240 ग्राम बेसन लिया है, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। ये सारे ऑनियन हम एक बाउल में डाल के सारी चीजों को इसमें मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले मिक्स करने के बाद काश्मीरी मिर्च थोड़ा सा कम लग रही है, देखिए कलर थोड़ा सा लाल कम हुआ है, तो इसमें हम हाफ टेबल स्पून और ऐड कर लेंगे। तो अगर आप बनाएंगे तो आपको एक टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा गाढ़ा बन गया, इसमें पहले हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और स्पून से पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। इस तरह से अच्छी तरह हाथों के सहारे बेसन और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है ऑनियन में। ये देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हो चुका है। पेस्ट एकदम रेडी है, इसे हम कुछ वक्त के लिए इस तरह से ढककर साइड रख लेते हैं और अब हम गैस फुल फ्लेम में ऑन करके ऑयल को गर्म कर लेते हैं। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक दूसरे गैस को ऑन करके चटनी की तैयारी कर लेते हैं। पैन गर्म हो रहा है, आइए चटनी की रेसिपी देख लेते हैं। एक ऑनियन मैंने चॉप करके लिया है, एक अदरक का टुकड़ा मैंने चॉप कर लिया है, 3 लहसुन की पंखुड़ियाँ मैंने चॉप की हैं और 3 हरी मिर्च ली हैं, 1 लीफ कड़ी पत्ता का लिया है और कुछ मिंट लिया है और ये मैंने हरा धनिया लिया है। आइए पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम तड़के में हाफ टी स्पून जीरा डाल देते हैं। जीरा और राई से चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और हाफ टी स्पून राई डाल देती हूँ। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे,
ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें लहसुन डाल देंगे, उसके बाद अदरक हल्का सा फ्राई करना है, और ये मिर्च, लास्ट में ऑनियन। हम चटनी डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन चटनी का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब हल्का सा फ्राई कर लेना है इस तरह से। इस तरह से चटनी बहुत टेस्टी बनती है। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है। हल्का सा ब्राउन शीट आ गया है मसालों का, इसे अब हम ठंडा करने रख देते हैं। गैस को बंद करके ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब जो हमने एक पेस्ट तैयार किया है, इसकी हम भजिया तैयार करते हैं। ऑयल एकदम गर्म हो चुका है, एक साथ आप काफ़ी सारी भजियाँ तल सकते हैं अगर बर्तन बड़ा है। इस तरह से पलटे पलटे रहना है ताकि भजियाँ जली नहीं। इस तरह से करंची भजिया तैयार हैं। ऑयल अच्छी तरह निकाल लेना है। इसी तरह से बाकी भजिया भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से कांदा भजिया और पुदीने की चटनी तैयार है। देखते हैं टेस्ट कैसा हुआ है। बहुत ही टेस्टी हुए हैं, बहुत क्रिस्पी, क्रंची, बहुत टेस्टी हुए हैं। इस तरह से आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर कीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी है, भजिया तो हर एक को पसंद है, तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।